धन्यवाद आपका। हमारे स्टूडियो में मौजूद है नीरजा सुबोई जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नीरजा जी का क्षेत्र बहुत विशाल है, महाराष्ट्र से लेकर के और दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर के पंजाब तक उन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र का विस्तार किया है। उनका संपर्क अभियान इतना जबरदस्त है कि जिससे भी मिलती है उन्हीं को अपना बना लेती है। अभी हमने कमला साहनी जी से बात की, जो कि सुप्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभुदयाल विद्यार्थी जी की धर्मपत्नी थी, और स्टूडियो में लाने का श्रेय भी नीरजा जी को जाता है। तो नीरजा जी, मुझे कमला साहनी जी के बारे में बताइए कि आपकी मुलाकात इनसे कैसे हुई। देखिए, इंसानों का मिलना जुलना सब ऊपर वाले की कृपा होती है, और मैं अचानक जगदम्बिका पॉल जी के यहाँ गई थी, तो वहाँ मुझे ये आंटी मिली, और जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा तो वो मेरे लिए अचंभित था, और उससे भी ज़्यादा अचंभित बात ये थी कि ये मेरी मम्मी को जानती है, अरुंधति झा को, और ये उनकी लेखनी की फैन निकली, तो वो बात मुझे और घर कर गई। डीजे जी, आप महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों को मतलब राष्ट्रीय महत्व के सम्मान ना देकर उनके साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल, अनदेखी कर रहे हैं। इनके नाम के अगर सम्मान पुरस्कार निकाला जाए, इससे बढ़िया सम्मान हो ही नहीं सकता। हम तो देश या सरकार से ये उम्मीद करते हैं, या हम एक कहते हैं कि इनके नाम से एक पुरस्कार घोषित किया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह स्वतंत्र भारत दिया है हमें जी, और गांधी जी के साथ रहकर देश की स्वतंत्रता कैसे उन्होंने दिलाई, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। आज महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए भी उनका परिवार, उनको सम्मान दिलाने के लिए उनका परिवार भी अब नेतृत्व से गुहार लगा रहा है। सोचना होगा, हमें इस बात पर मंथन करना होगा कि हम कहां से कहां तक पहुंचे और किन के कारण पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। अगले सप्ताह नए शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।